आशीष न्यूज चुनाव यात्रा में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। आज हम लोग पहुंचे हैं सिल्ली विधानसभा के राहे प्रखंड के पारमडी गांव में। अभी इलेक्शन का टाइम पहुंच जाता है तो हर कोई बोलते हैं हम ये कर देंगे वे कर देंगे, जब जीत जाते हैं जीत जाने के बाद तो कोई कुछ नहीं करते हैं। और आपका? हमारा बहुत समस्या के खिलाफ है, कुछ नहीं, घर भी नहीं मिलते, कुछ नहीं होता है, रोड का दिक्कत है, हमारा पूरा घर से निकले से कदक निकल पानी का बहुत कुआं नहीं है, चपाकल नहीं है। और हमको अनाज मिलता है कि नहीं? अनाज मिलता है, पहले मिलता था, आजकल तो 5 किलो मिलता है। तो बहुत परिवार वाला आदमी है, हम तो कहाँ से होगा हमारा। क्या क्या है, सब चीज का ही है। और सरकारी योजना के तहत कुछ लाभ मिला है या फिर नहीं मिली है? नहीं मिली है। क्या क्या नहीं मिली है? जैसे प्रधानमंत्री आवास हुआ, बीमा, स्वास्थ्य बीमा कार्ड हुआ, उज्जवल भविष्य योजना के तहत गैस, या फिर गैस मिला है, शौचालय मिला है। अच्छा, और कार्ड में तो लाल मिला है। और प्रधानमंत्री आवास? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। नहीं। और क्या क्या दिक्कतें हैं इस गांव में? बिजली का है, पानी का है, और मकान का है। गिरेला घर दही उगलाओ नहीं, दैसला पैसा नहीं पाला, बूढ़ा लोग कोनो काम नहीं करे पारोला, और नलकूप बगड़ी है दू दूटा, पानी के जला इहा हो जाइला, उगलाओ नहीं दैसला, घर सप्लाई कर एक घर गोटा बाखोले घर नहीं दे आई उगला दे। या मोर एक बेटी है, काम करे नहीं पारे ला, बूढ़ा बूढ़ी होली हमरे, तो हमरे घर ने खे नलकूप ने खे, आर काम करे नहीं पारे मोर छुआ, हमरे तीनों माँ छुआ आई, बेटा अभिनु यहाँ है, तो हमरे के काम करे नहीं पारी ला, मोर एक बेटी यहाँ है डीरा, ओकर शादी नहीं होला, तो मोर घर हो नलकूप हो गोटा बखोले कुआ ने खे, पानी बहुत दिक्कत होला, कोनो लाभ नहीं मिले है कमरे के, घर नहीं, दुआर नहीं, ये पीला कार्ड नहीं, गरीब लोग सब लोग पीला कार्ड है, हमरे को तो पीला कार्ड ने खे लाल कार्ड है के जाए के कोहली हो लोग हमरे के, तो मुखिया ना सरपंच लेन नानी हमरे कथा, गरीब लोग का दिलक हमरे के घरो नहीं, पीला कार्डो नहीं, तारो का कर भी कहे न पारबी हमरे मुखिया सरपंच के, हमरे के तो कोनो नहीं पाली, घर नहीं, दुआर नहीं है, आर पीला कार्डो नहीं, तो कहे पारली तो नहीं दिलन, तो खन तारो का कर भी ये दिक्कत है, जकर जकर आहन जकर बेसे यार हमरे ने के, तो भाई हमरे के तो दिखते है न। हम लोग का गाँव में सरकारी योजना से कोई लाभ नहीं मिला है, जैसे इंदिरा आवास और रोड भी नहीं मिला है, और हमारी समय से शिक्षा भी, यहाँ नर्स नहीं आ रहा है, यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत दिक्कतें हैं, और घर इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला है, और बहुत सारी समस्या है हम लोग का, यहाँ रोड PTC भी एक भी रोड नहीं बना है, काला रोड भी नहीं, और कोई भी रोड ऐसा नहीं बना है हम लोग गाँव में, नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास मिला है? नहीं मिला है। और क्या क्या दिक्कतें हैं? हाँ, हम लोग का दिक्कत है, यहाँ रोड की सुविधा है, यहाँ वृद्धा पेंशन नहीं है, लाल कार्ड नहीं है, पीला कार्ड नहीं है, और स्वास्थ्य बीमा कार्ड बना है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड का भी अभाव है यहाँ, और यहाँ जितना हम लोग गरीब लोग हैं यहाँ पारमडी में, जितना यहाँ का लोगों का जिसमें घर की समस्या है, रोड की समस्या है, और कुआं सिंचाई की सुविधा होना चाहिए गांव में, तो सरकारी तहत से कोई कोई जो किसी किसी को मिला है, और बहुत कोई को नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? घर और नहीं मिला है, जो सरकारी बंटवारा हो रहा है वो सब चीज़ नहीं पा रहे हैं हम लोग, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र से जो बांटने का ही है, वो सब भी अधिकार नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास मिला है? नहीं मिला है। और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? हम लोग का घर के सामने में जो गली है, रास्ता है, वो सब भी पक्का नहीं हो रहा है, और बरसात में बहुत दिक्कत हो रहा है, ये सब बहुत सारी समस्या है हम लोग को। और यहाँ के विधायिका सीमा महतो से आप खुश हैं? हम सीमा महतो से तो खुश हैं, वो जो भी कहते हैं
हम लोग कर नहीं पाते हैं, उतना दूर पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए उनको भी खुद ताकत लगा के हम लोग का फायदा के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, सीमा महतो के द्वारा यहाँ पर क्या क्या कामें हुई है इस गांव में? उसके माध्यम से तो नहीं देख पा रहे हैं ऐसा फायदा। इसके पहले सीमा महतो के पहले सुदेश महतो 15 साल तक यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उससे पहले वे क्या क्या यहाँ पर कर चुके हैं या फिर नहीं किए हैं? सुदेश महतो जी तो उसका तो जो देखते हैं पुल पुलिया बनाया है, यही सब देख पा रहे हैं और क्या। और गांव घर के लिए कुछ किए हैं सुदेश महतो इससे पहले? गांव घर के लिए तो मिला है किसी को घर, यही सब मिला है और कुछ नहीं देख पा रहे हैं।